एक गोली असद की पिस्तौल से चली थी और फिर उसके बाद हत्याओं और एनकाउंटर के सिलसिले चल पड़े। उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद पर वक्त जो सलीब बनकर टूटा तो फिर उसकी शाम आज तक नहीं हो सकी। अतीक अहमद ने पहले बेटा खोया, फिर अपने भाई के साथ मौत का सामना किया और उसके बाद अतीक का कुनबा जगह जगह ठिकाने बदलने को मजबूर है। उमेश पाल की हत्या ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। अतीक अतीत बन गया और उसकी बीवी शाइस्ता परवीन दर बदर ठिकाने बदलती फिर रही है। यूपी पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। हालात ये हो गए हैं कि जहां एक तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की नामी बेनामी कब्जाई और खरीदी गई संपत्ति है, यानी हर तरह की प्रॉपर्टी हाथ से फिसलती जा रही है। इसी वजह से शाइस्ता परवीन ने एक एक कर अतीक की प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त न सिर्फ शाइस्ता परवीन बल्कि उसकी देवरानी यानी जैनब फातिमा जो कि अशरफ की बीवी है, ये दोनों ही फरार चल रहे हैं। भागती दौड़ती और छिपती जिंदगी में अब पैसों की किल्लत महफूज ठिकानों में छिपने के आड़े आ रही है। भारत से बाहर भागने की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है, ऐसे में अब दोनों ही अतीक और अशरफ की प्रयागराज और लखनऊ में बेनामी संपत्तियों को बेचने की जुगाड़ में लगी हैं, क्योंकि जमीन जायदाद बिकने से देवरानी जेठानी पैसों से फिर मालामाल हो जाती। इसलिए दोनों ने प्लान नेपाल बनाया था, लेकिन हाल ही में भारत में सुर्खियां बटोरने वाली पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने शाइस्ता और जैनब के प्लान पर पानी फेर दिया। दरअसल दोनों का प्लान था कि जेल में बंद अतीक के बेटे अली और उमर को बाहर निकालकर दोबारा जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया जाए। इस प्लान में बकायदा वकील विजय मिश्रा को शामिल किया गया जो शाइस्ता और जैनब की इन संपत्तियों को बेचने में मदद करता, क्योंकि यूपी का कोई भी बिल्डर अतीक की संपत्ति खरीदने को तैयार नहीं था। ऐसे में नेपाल में रहने वाला यूपी का एक माफिया इन संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार हो गया। इसके बावजूद दोनों का प्लान धारा का धरा रह गया और ये प्लान चौपट होने की वजह बनी सीमा हैदर। इस बात का खुलासा वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुआ। विजय मिश्रा ने अतीक अशरफ की बेनामी संपत्तियों को खरीदने के लिए राजी होने वाले नेपाल में रहने वाला यूपी के माफिया को सभी डिटेल भेजी। विजय ने संपत्ति की तस्वीरें और वीडियो के साथ जरूरी कागजात व्हाट्सएप के जरिए नेपाल के उस माफिया को भेजे और जमीन की डील भी पक्की कर दी। बाद में ये माफिया आमने सामने बैठकर विजय मिश्रा और शाइस्ता या जैनब से बात करना चाहता था। 26 जुलाई को लखनऊ में मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें जैनब, वकील विजय मिश्रा और नेपाल का खरीदार माफिया शामिल होने वाला था। विजय मिश्रा लखनऊ पहुंचा तो पता चला कि खरीदार अगले दिन आएगा। ऐसा करते करते अगले 3 दिनों तक मीटिंग का समय टलता गया। जब नेपाल के माफिया से इसका कारण पूछा गया तो उसने बताया कि पाकिस्तान की सीमा हैदर नेपाल बॉर्डर से भारत में अवैध तरीके से घुसी है, जिसके कारण नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में फिलहाल अभी नेपाल से यूपी आने में मुश्किल है, लेकिन विजय मिश्रा 5 दिन तक लखनऊ में ही रहा, जिसके बाद पुलिस ने 30 जुलाई को उसे धर दबोचा है। विजय मिश्रा लखनऊ जेल में उमर से भी मिला था। उमर और असद को अतीक की बेनामी संपत्ति की जानकारी है। विजय ने अशरफ की पत्नी जैनब और उसके भाई सद्दाम को भी लखनऊ बुलाया था, जो लखनऊ के आसपास छुपी हुई मानी जा रही है।